हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केयर आइडियाज पर। आज हम लोग अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं चने। इसके लिए हमने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है और पैन में हम लोग कुछ मसाले रोस्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमने लिए है 3 से 4 साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा लिया है हमने 10 से 12 काली मिर्च, 2 से 3 लौंग ली है, थोड़ा सा हमने 1 बड़ी इलायची ली है, थोड़ा जायफल का पीस लिया है, थोड़ा ये फूल लिया है और थोड़ी सी ली है दालचीनी। अब इसके साथ ही हमने 1 छोटी चम्मच ली है सौंफ और 1 चम्मच हमने जीरे लिए हैं साबुत वाले और हमने 1/2 चम्मच ली है अजवाइन। इन सबको हम लोग रोस्ट करेंगे हल्की 1-2 मिनट बस रोस्ट करके इनको हम लोगों को मिक्सी के जार में डालकर पीस लेना है। लीजिए, मसालों को भूनते हुए हम लोग 1 से 2 मिनट हो गए हैं, गैस को करेंगे बंद। इनको थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने पर मिक्सी के जार में डालकर एक पाउडर बना लेंगे। बेटा, अब हम मोबाइल हमने ये मिक्सी के जार में डालकर इसको दानेदार पीस लिया है। अब वापस से पैन चढ़ा लिया है और अब इसमें डालेंगे हम लोग 1/2 चम्मच से 2 से 3 चम्मच ऑयल। कुकिंग ऑयल आप जो भी यूज करते हो वो आप डाल लीजिए। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पर ऑन कर लिया है। थोड़ा सा डालेंगे हम लोग जीरा और इसको अच्छे से भूनेंगे। 2 चुटकी डाल देंगे हींग, इससे चनों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम लोग बाकी के मसाले इसमें डाल देंगे। अब हम लोग इसमें मसाले ऐड करेंगे तो हम लोग 1 चम्मच डालेंगे 1/2 चम्मच से हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे काला स्वाद अनुसार। इसके साथ ही हम लोग डालेंगे इसमें धनिया पाउडर 1/2 चम्मच से 3 चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच और पानी डालकर हम लोग इसको मसाला भून लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमने 1/2 चम्मच से 4 से 5 चम्मच इसमें पानी डाला है। अब हम लोगों ने चने बॉईल करके रखे हुए हैं वो हम लोग मिक्स कर देंगे। सिंपल वाले चने हैं, इनको हमने पहले ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखा था, उसके बाद हमने इनको कुकर में डालकर 2 से 3 सीटी बजा दी हैं और देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसमें हम लोग डाल देंगे अब इसको चलाएंगे, इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। और अब हम लोग डालेंगे इसमें 2 छोटी चम्मच से पिसा अमचूर का पाउडर, जिससे चनों का टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। एकदम खट्टे और एकदम तीखे मसालेदार चने बनकर इन लोगों के रेडी हो रहे हैं। अब हम लोगों ने जो जार में मसाला पीस कर रखा है दरदरा, वो भी हम लोग इसमें डाल देंगे और बस अब चलाते हुए हम 3 से 4 मिनट इनको पकाएंगे और हम लोगों के चने बनकर रेडी हो जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है। बस 1-2 मिनट पकाकर हम लोग इनको प्लेट में सर्व करेंगे। लीजिए, चने बनकर रेडी हो गए हैं, इनको हम लोग प्लेट में सर्व कर देते हैं। लीजिए, इनको हमने एक प्लेट में सर्व कर दिया है। टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं, ट्राई जरूर करिए। थैंक यू।